रिज्यूम रिकॉर्डिंग। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जैसा कि अभी हम लोगों ने लास्ट टॉपिक के अंदर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, फिर हमने सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, फिर उसके टाइप्स हमने पढ़ ली थी, आज हम एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम लोग जो है वो स्ट्रक्चर बनाएंगे, पहले बेसिक लेवल पे, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता हम उसको बढ़ाते जाएंगे। ठीक है जी, तो देखते हैं। मैं इस वक्त आपको आज जो समझा रहा हूं वो है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है जी, ये बात याद रखिएगा, अगर मैं सिंपल ओ लिखता तो इसका मतलब होता है ऑक्सीजन का एटम, लेकिन जब मैंने ओ टू लिखा तो इसका मतलब होता है ऑक्सीजन गैस, और बेसिकली गैस जो है वो एक मॉलिक्यूल होता है, तो इसलिए हम इसको ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है जी, अब हम जरा इसको बनाने जा रहे हैं कि ये कैसे बनता है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एटॉमिक नंबर जिसको हम जेड कहते हैं वो ऑक्सीजन का 8 होता है। अब जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लगाएंगे तो 1s2, 2s2 और 2p4, यानी कि ये हो गए इसके 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा, अब मैं वैलेंस शेल जो है वो हमारा ये है। ठीक है, यानी कि 2 हमारा वैलेंस शेल है। 2 का मतलब क्या होता है? एल। ठीक है, 1 का मतलब के, 2 का मतलब एल, 3 का मतलब एल। अब वैलेंस शेल में हम देखते हैं एस तो हमारा भरा हुआ है। ठीक है, एस के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 और 2, लेकिन हम देखते हैं कि पी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। हम जानते हैं कि पी ऑर्बिटल 3 हिस्सों में आता है, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और हमें ये भी पता है कि पी ऑर्बिटल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश होती है, तो इसके अंदर 3 बॉक्सेस बनते हैं। अब चूंकि 4 इलेक्ट्रॉन है तो इट मींस 1, 2, 3 और 4। अब आप गौर से देखें, मैं रेड कलर से आपको दिखाता हूं कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन कम है और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन कम है। इसका मतलब है एक ऑक्सीजन एटम को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये अपना पी ऑर्बिटल मुकम्मल कर ले। ठीक है जी, क्या कर ले? मुकम्मल कर ले। अब हम बनाने क्या जा रहे हैं कि 2 ऑक्सीजन को आपस में मिलाकर एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाने जा रहे हैं। देखें, यही हमारी हेडिंग थी, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है जी, अगर हम गौर से देखें कि ये जो इसके पी ऑर्बिटल हैं, ये पहला वाला कहलाता है पीएक्स, दूसरा कहलाता है पीवाई, तीसरा कहलाता है पीजेड। इसका मतलब क्या हुआ कि PY, ठीक है, और PZ, सही है, is one-sided empty, ठीक है, एक साइड क्यों empty कह रहा हूँ, देखें, ये आ गया PY, इसका एक इलेक्ट्रॉन है और ये empty है। इसी तरीके से अगर मैं PZ की बात करता हूँ तो एक इलेक्ट्रॉन है और एक empty है, ऐसा ही है ना। अब होगा ये कि जब हमारे पास 2 ऑक्सीजन एटम है तो दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम होगी। ठीक है, दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p4, दोनों के py और pz ऑर्बिटल क्या होंगे, इसके क्या होंगे, px और py और pz ऑर्बिटल जो है वो इसके खाली। ठीक है जी, अब जब खाली होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए पहले वाले ऑक्सीजन को, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले ऑक्सीजन को चाहिए, तो मैं ये कह सकता हूं कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, यानी कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों? क्योंकि 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होते हैं एक ही वक्त में तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होते हैं तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, है ना भाई। तो ये बात भी समझ में आ गई, हमने ये लिख दिया वेयर एज पी वाई बाउंडेड हेड टू हेड and form sigma bond while pz bounded side to side overlap and form pi bond। जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात कि ऑक्सीजन के पास एक ऑक्सीजन को, मैं यहां कलर चेंज करके आपको दिखा देता हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। ठीक है, इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए नीडेड, और इस ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए नीडेड। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, शेयर कर लेंगे। ठीक है, और हमको पता है शेयर जो होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है, ये हमने अपने टॉपिक के शुरू में पढ़ा था, है ना भाई। अब चूंकि 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2
पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन गए, है ना भाई, दो और दो चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार इलेक्ट्रॉन का मतलब टू पेयर। तो जब टू पेयर बन गए तो मैं कह सकता हूं कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और इस तरह हमारे पास क्या बन जाता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये मैं आपको स्टेप वाइज बता रहा हूं। जब हम किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के ये चेक करते हैं कि उसके ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन खाली हैं। फिर हम ये चेक करते हैं कि अगर ये शेयरिंग कर रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर रहा है। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर रहा है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अगर दो दो इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर रहा है तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और तीन तीन इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर रहा है तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम ये जानते हैं कि जब ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है तो इसका पहला वाला बॉन्ड हो जाएगा सिग्मा और दूसरा वाला बॉन्ड हो जाएगा पाई, ठीक है भाई। हम जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग करता है और पाई बॉन्ड जो है वो साइडवेज ओवरलैपिंग करता है, ठीक है जी। ये मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको आगे की तरफ लेके जा रहा हूं। अब हमने ये पता कर लिया, जब डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तो एक बनेगा सिग्मा और दूसरा हो जाएगा पाई। अब जब सिग्मा होगा तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, यानी कि शेक हैंड की तरह, और पाई बॉन्ड बन रहा है तो ओवरलैपिंग होगी साइडवेज, यानी कि गले मिलने की तरह, ठीक है जी, साइड से। अब मैं आपको एक और स्टेप आगे लेके जाता हूं। चूंकि सिग्मा बॉन्ड हमारे पास बन रहा है दोनों के पीपी ऑर्बिटल का, तो सिग्मा बॉन्ड कौन सी वाली टाइप का सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, पीपी सिग्मा बॉन्ड। कैसे पता चला मुझे पीपी सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, वो इस तरह, क्योंकि जब एक ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल खाली है दूसरे ऑक्सीजन का भी पी ऑर्बिटल खाली है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि दोनों के पीपी ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे, तो सिग्मा बॉन्ड पीपी ऑर्बिटल बनेगा और पाई बॉन्ड भी आपका पीपी पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। या मैं लिख देता हूं पीपी सिग्मा बॉन्ड और पीपी पाई बॉन्ड, ठीक है जी। अब आपको ये भी पता चल गया। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। हमें पता है कि सिग्मा बॉन्ड के अंदर पी का वन लोब इस्तेमाल होता है, ये मैं कलर चेंज करके लिख देता हूं, वन लोब विल यूज। और पाई बॉन्ड के अंदर हमने पढ़ा था कि बोथ लोब विल यूज, दोनों लोब इस्तेमाल होंगे, ठीक है भाई, ये बात भी आपकी समझ में आ गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर देखें मैं किस तरह बनाता हूं, ठीक है। ये मैं एक ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहा है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, गौर से देखिएगा, ठीक है। अब हमारे पास इस वाले ऑक्सीजन का पी वाई और पी जेड खाली है और इस वाले ऑक्सीजन का भी पी वाई और पी जेड खाली है, ये बात समझ में आ गई, ठीक है, दोनों का पी वाई और पी जेड खाली है। अब हम इन दोनों पी में से एक पी के दरमियान बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड और एक पी के दरमियान बनाएंगे पाई बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड बन रहा है, ये बात भी हमने पढ़ ली, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, पहले वाले ऑक्सीजन का पी वाई बनाता हूं, ये मैंने बना दिया पी वाई, सही है। ये मैं असल में लैपटॉप मैंने ऊपर रखा हुआ है ना, ये मैंने बनाया पी वाई, ठीक है जी, और ये मैंने बनाया पी जेड, ठीक है जी, ये मैंने पी वाई बना दिया और ये मैंने पी जेड बना दिया। अच्छा भाई, ये बात हो गई है, पी वाई और पी जेड बन गया इसका, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद मुझे क्या करना है, दूसरे वाले का भी पी वाई और पी जेड बना दूंगा, ठीक है, ये हो गया पी वाई और पी जेड, ठीक है। अब मुझे इसमें से एक की हेड टू हेड ओवरलैपिंग करनी है, ठीक है, और एक की मुझे साइडवेज ओवरलैपिंग करनी है। अब जब मैं सिग्मा बॉन्ड बना रहा हूं, पहला वाला हेड टू हेड ओवरलैपिंग करनी है, तो अब मैं क्या करूंगा, देखें अब गौर से देखिएगा। अब मैं इस तरह कर रहा हूं, ये आ गया मेरा एक पी ऑर्बिटल, ठीक है, ये एक ऑक्सीजन है और ये दूसरे का पी ऑर्बिटल बनाया मैंने, ये देखिए, ठीक है। अब ये मैं ऊपर पी वाई पी जेड को हटा देता हूं,
अब हम ऑटोमेटिकली समझ चुके हैं ना कि हमारे पास पी वाई और पी जेड खाली है। अब मैं एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा हूँ, एक पाई बॉन्ड बना रहा हूँ, तो ये मेरे पास हो गया एक ऑक्सीजन, ये हो गया मेरे पास दूसरा ऑक्सीजन, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान ये जो बॉन्ड बना है, ये बना है सिग्मा बॉन्ड। कैसे पता चला सिग्मा बॉन्ड? क्योंकि एक तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है सामने सामने से, और दूसरा दोनों का एक एक लोब यूज कर रहा हूं मैं, एक एक लोब यूज नहीं कर रहा, तो ये हो गया आपका पाई बॉन्ड, ठीक है, सॉरी सिग्मा बॉन्ड। अब मैं बनाता हूं इसका दूसरा वाला बॉन्ड। ये मैंने दूसरा ऑर्बिटल लिया ऑक्सीजन का, और यहां भी मैंने इसका दूसरा ऑर्बिटल लिया, ठीक है भाई। अब ये बनाएगा आपका साइडवेज ओवरलैपिंग। अब अगर मैं साइडवेज ओवरलैपिंग बनाऊंगा तो इन दोनों को मैं एक साथ मिला हुआ, तो ये तो बहुत ही मुश्किल स्ट्रक्चर बन जाएगा और हमारा स्ट्रक्चर खराब भी हो जाएगा। इसलिए हम इसको यू शो करते हैं, जैसे ये एक लोब मिल गया और ये दो लोब मिल गया। ये कौन सा बॉन्ड बना रहा है? पाई बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड बना रहा है? पाई बॉन्ड। बेसिकली पाई बॉन्ड एक बना, लेकिन मैंने दो दफा पाई बॉन्ड क्यों लिखा? क्योंकि दोनों लोब यूज किए, ठीक है। तो ये जो मेरे पास स्ट्रक्चर बना है, ये मेरे पास O2 का स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है बेटा। क्या बन गया? ये मेरे पास O2 का स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। तो ये हमने एक O2 का स्ट्रक्चर बनाया है, लेकिन अभी हमने इसको वेल डिफाइन नहीं बनाया, ठीक है। अभी हम आहिस्ता आहिस्ता और आगे जाते जाएंगे तो आपको और स्ट्रक्चर बनवाते जाएंगे आपसे। क्लियर बेटा? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, आप मुझे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का मिलाकर N2 का स्ट्रक्चर बना के दिखाएं। अगर आप बोले तो मैं आपको ये भी बना के दिखा देता हूं, चलें आप इसकी दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन के पास सात इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक नाइट्रोजन के पास सात इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका मतलब हो गया 1s2, 2s2 और 2p3, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं पी को यू देखूं तो पी के तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब यह हुआ कि एक बनेगा सिग्मा बॉन्ड और दो बनेंगे पाई बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है ना, एक सिग्मा और दो पाई बन गए, ठीक है। अब हम इसको किस तरह बनाएंगे ये देखें, तीनों पी ऑर्बिटल है, ये हो गया एक नाइट्रोजन का और ये हो गया दूसरे नाइट्रोजन का एक पी ऑर्बिटल जिसने बनाया आपका सिग्मा बॉन्ड। एक एक लोब यूज किया हेड टू हेड ओवरलैपिंग, ठीक है। ये है नाइट्रोजन का दूसरा पी ऑर्बिटल, ये है नाइट्रोजन का दूसरा पी ऑर्बिटल। अब चूंकि ये पाई बॉन्ड बनाएगा तो हम इसको दोनों तरफ से यू शो कर देंगे, पाई बॉन्ड, ठीक है। अब हम बना रहे हैं तीसरा ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, सही है, और यहां हमने तीसरा पी ऑर्बिटल बनाया, ठीक है। इसको हम यू शो कर देते हैं, पाई बॉन्ड, ठीक है। ये आपका N2 का मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है बेटा। क्या बन गया? ये आपका N2 का मॉलिक्यूल। देखें, हाउ सिंपल इज दैट, कोई इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है। आप मुझे घर पे ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का इसी तरीके से एक इनकम्प्लीट मुझे स्ट्रक्चर बना के दिखाइएगा, ओके फाइन। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम करते हैं यहाँ पर एक छोटा सा आप लोगों का टेस्ट, कि इधर इस वक्त आप इस पोजिशन पे हैं कि आप सिग्मा और पाई बॉन्ड जो है वो ढूंढ सकते हैं या नहीं, ठीक है। मैं आपको एक स्ट्रक्चर देता हूँ और आप लोग अपने अपने माइक खोल लीजिए, ठीक है। माइक खोलें, अपनी अपनी कॉपीज सामने रखें, स्ट्रक्चर को मेरे साथ साथ बनाएं और मुझे सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करके बताएं कि कितने हैं। स्ट्रक्चर बना रहा हूं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये दो हाइड्रोजन, फिर उसके बाद कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है जी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन कार्बन हाइड्रोजन। चलें जी, ये मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया, माइक खोल लीजिए, मुझे बताइए इसके सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और
पाई बॉन्ड इसमें कितने हैं। चले बच्चों काउंट करके मुझे बताइए कि हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड एंड हाउ मेनी पाई बॉन्ड इन दिस स्ट्रक्चर। ठीक है जल्दी से बताएं। सर फाइव है सिग्मा। आप पहले अपने पास लिखे हैं फिर काउंट करके और... बताएं। अपने पास अच्छा। लिखे हैं फिर काउंट करके बताएं। जी बेटा क्या निकला हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सर ये सिग्मा सिक्स है और पाई फाइव है। चलें हम यहाँ लिखते हैं ये अबू बकर कहते हैं कि सिग्मा सिक्स है और पाई पाई कितने कह रहे हैं आप फाइव फाइव है। चले जी फातिमा क्या कहती हैं आप और हादिया। सर मुझे इसमें तीन सिग्मा और दो पाई लगते हैं। ये कौन कह रहा है फातिमा कह रही है ये आवाज किसकी जी। तीन सिग्मा कहती हैं और आप दो पाई कह रही हैं सही है मेरी फातिमा की। हादिया आप बताएं। सर इसमें पाए तीन लग रहे हैं मुझे। अच्छा जी और सिग्मा। और सिग्मा छह लग रहा है। सिग्मा छह लग रहा है। चलें जी आप लोगों के आंसर हैं। इस वक्त हमारे कुछ और स्टूडेंट्स हैं वो इस वक्त डिस्कनेक्ट हो गए हैं। चलें हम आप तीनों के आंसर के ऊपर ही फोकस करते हैं ठीक है। आप तीनों के आंसर जो है वो रॉन्ग है ठीक है। अब देखें कैसे हमने आपको क्या कहा था कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड होता है ठीक है। अब जब डबल कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो डबल कोवलेंट बॉन्ड में एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। डबल कोवलेंट का मतलब दो बॉन्ड होते हैं ना फर्स्ट वाला सिग्मा होगा सेकंड वाला पाई होगा। फिर हमने कहा था कि ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में तीन बॉन्ड होते हैं तो एक सिग्मा होगा और दो पाई होंगे। ये हमने देखे शुरू में पढ़ा था कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आर ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। फर्स्ट बॉन्ड ऑफ डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड आर सिग्मा बॉन्ड। कि डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड का पहला बॉन्ड सिग्मा होगा बाकी पाई है। अब डबल कोवलेंट बॉन्ड में तो बाकी सिर्फ एक ही बॉन्ड बचा तो एक पाई हुआ। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में बाकी दो बॉन्ड बचे तो दो पाई हुआ ठीक है। अब जरा गौर से देखिएगा ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है तो ये सिग्मा बॉन्ड हो गया। ये भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड। ये इन दोनों में से ये डबल कोवलेंट बॉन्ड है एक सिग्मा हो गया एक पाई हो गया ठीक है। ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है सिग्मा हो गया 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 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है सिग्मा हो गया। ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है एक सिग्मा हो गया और ये पाई है और ये भी पाई हो गया और ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है सिग्मा हो गया। चलें काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. How much sigma bond? 10. And how many pi bond? Count करते हैं 1,
टू एंड थ्री, ठीक है, तो हाउ मेनी पाई बॉन्ड, थ्री पाई बॉन्ड। समझ में आई बात या नहीं आई? अब जल्दी से मुझे आंसर कीजिएगा, कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, जल्दी से बताएं सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और पाई बॉन्ड कितने हैं। जी अबू बकर, फातिमा, हादिया अशरफ, जी सिग्मा कितने हैं? सर सेवन है। ये कौन बोल रहा है, नाम बताएं? सर सेवन, हादिया। अबू बकर कह रहे हैं सात, हादिया कह रहे हैं सात, और पाई बॉन्ड बताएं, फातिमा भी कह रही है सात, और पाई बॉन्ड कितने हैं? नहीं है, पाई बॉन्ड नहीं है, जीरो जीरो जीरो। हाँ सर, पाई बॉन्ड नहीं है। अब आपके आंसर बिल्कुल ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छ सात, ग्रेट, शाबाश। पहले मैंने ये नहीं गिनी, पहले मैंने ये नहीं गिनी थी, जो बीच वाली जो है ना, मैं सिंगल को समझ रहा था इस तरह से, और तो गिनना चाहिए था ना, सही है। चले एक मौका और देता हूँ आप लोगों को, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, जल्दी जल्दी बताएं, अबू बकर, फातिमा, हादिया, सिग्मा बॉन्ड, सर फाइव, फाइव, नाम फाइव है। अरे लड़कियों नाम बताया करो, तुम्हारी आवाज मुझे पहचान, सर अबू बकर फाइव। अरे अबू बकर तुम्हारी आवाज तो पहचान में ही आएगी ना, अबू बकर कह रहे हैं फाइव, और अबू बकर पाई बॉन्ड कितना कह रहे हैं? सर दो, पाई बॉन्ड दो कह रहे हैं। फातिमा आप बताएं? सर पांच सिग्मा एक पाई। अच्छा पांच सिग्मा एक पाई, ये कौन है भाई? हादिया ऐसे बोल रही है जैसे लग रहा है होटल पे बैठे हैं, अभी बोल रही है कि दो कोरमा एक एक पाए, दो निहारी चार रोटी, हैं? पांच सिग्मा एक पाए, ठीक है। चले चेक करते हैं, चेक करते हैं, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा, पांच सिग्मा और एक पाए, फातिमा और हादिया का आंसर सही था, अबू बकर पाए ढूंढने में नाकाम रहे, ठीक है। बकरा ईद पे ना गाय के पाए देखा करो तुम, सही है। चले जी यहाँ तक तो बात समझ में आई, सिग्मा और पाई बॉन्ड आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ से शिफ्ट करते हैं अपने एक न्यू टॉपिक की तरफ, जो हमारा सबसे खतरनाक टॉपिक है, हाइब्रिडाइजेशन। सर यस सर, एक बात पूछनी थी सर, ये इसके अंदर अगर जैसे बीच की लाइन और एक भी एक लाइन और आ जाती तो ये दो दो हो जाते ना पाए, ऐसे हो जाता जी? हाँ, तो फिर एक सिग्मा होता और दो पाए हो जाते, ठीक है, सही है, सही है, सही है। अच्छा अब जो हमारा टॉपिक है वो है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली होता क्या है ये हम आपको कल पढ़ेंगे बिल्कुल सही तरीके से, बस दो तीन पॉइंट जहन में रख लिएगा कि हाइब्रिडाइजेशन असल में मिक्सिंग का नाम है, ठीक है। अब मिक्सिंग से मुराद क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं कमरे में कलर करने जा रहा हूँ और मेरे कमरे में ना चार दीवारें, ठीक है। अब मैं कमरे में कलर करने जाता हूँ, हादिया, फातिमा और अबू बकर आप मुझे जरा जवाब दीजिएगा, ठीक है। अब मैं देखता हूँ मेरे पास ब्लू कलर है लेकिन इतना कलर नहीं है कि मैं उसको चारों दीवारों पे कलर कर सकूं, चार दीवारों का कलर नहीं है मेरे पास, ठीक है। अब मेरे पास एक ग्रीन कलर भी है लेकिन ग्रीन कलर भी इतना नहीं है कि मैं उसको चारों दीवारों पे कलर कर सकूं। अब मेरे पास रेड कलर भी है लेकिन रेड कलर इतना नहीं है कि मैं उसको चारों दीवारों पे कलर कर सकूं। अच्छा कलर मुझे एक ही करना है, ऐसा नहीं है कि आप कहें कि सर गुलागंडा बना दें एक एक दीवार चारों कर लें। अब मेरे पास एक ब्लू कलर भी है लेकिन इतना नहीं है कि मैं चारों दीवारों पे कलर कर सकूं। अब मुझे बताएं मैं क्या करूंगा? सर चारों को मिक्स कर देंगे। जी बेटा सर चारों को मिक्स कर देंगे। ये किसने जवाब दिया, नाम बताएं? सर हादिया। हादिया बेहतरीन जवाब दे दिया आपने तो। अबू बकर क्या आप हादिया के आंसर से मुतमईन हैं? नहीं सर, मैं चार कलर है ना तो तीन कलर में ड्रॉप कर दूंगा, अगर जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वो करूंगा। तो बेटा है ही नहीं ना इतना कलर के चारों दीवारों पे कलर कर सके। अच्छा फिर चारों को मिक्स कर देंगे। हां आपने एग्जांपल नहीं सुनी ना सही तरह। फातिमा आप बताएं आप क्या करेंगी, बाजार से खरीद के तो नहीं लेंगी कलर? सर पहले मेरा आया था कि आप तीनों को आधा आधा कर देंगे, मतलब पहले ब्लू करेंगे फिर ग्रीन, लेकिन आपने कहा मिक्स नहीं, गोला गंदा नहीं बनाना,
तब मिक्स ही करेंगे। फातिमा तो गोलाकंडा बना रही थी, कितनी अजीब दीवारें लगती है ना, रंग बिरंगी, एक ही दीवार पे तीनों कलर हुए हुए होते। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइनली आप इस बात पर डिसाइड हुए कि आप इन चारों कलर को मिक्स कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि फातिमा भी इस बात के ऊपर मुतमईन है, अबू बकर भी इस बात के ऊपर मुतमईन है, और हादिया ने तो माशाल्लाह जवाब यही दिया है। अब मैंने चारों कलर को एक बाल्टी दी, उस बाल्टी के अंदर रेड, ग्रीन, ब्लू और चौथा कलर कौन सा था हमारा, रेड, ग्रीन, ब्लू और लेट सपोज हमारा चौथा कलर था कोई सा भी ले लें आप, ब्लैक ले लीजिए, ठीक है, या ब्लैक नहीं, ब्लैक अच्छा नहीं है, आप येलो ले लें, सही है। आपने इन चारों कलर को एक बाल्टी के अंदर डाल दिया और आपने मिक्स कर दिया। अब मुझे आप लोग जवाब दीजिए कौन सा कलर बनेगा, रेड बनेगा, ग्रीन बनेगा, ब्लू बनेगा या येलो बनेगा। अरे कभी मैंने किया नहीं। हाँ कौन सा कलर बनेगा, ग्रे बनता है, इन तीनों को मिला गया एक साथ। अच्छा इन चारों को, चार कलर है। हाँ, सर, सर, पता नहीं क्या बनेगा, पता नहीं क्या बनेगा, खिचड़ी बनेगी, खिचड़ी है। फातिमा क्या बनेगा सर, मेरे ख्याल में कलरफुल कलर्स बन जाएंगे ये। कलरफुल कलर्स बन जाएंगे। अच्छा चले मुझसे भी पूछे सर क्या बनेगा, सर क्या बनेगा, क्या नया कलर बनेगा, क्या बनेगा, नया कलर। हाँ एक नया कलर बनेगा जो इन चारों से मिलके बना। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो है वो कलर कम थे, आपने उनको मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद ब्लू ब्लू नहीं रहा, ग्रीन ग्रीन नहीं रहा, येलो येलो नहीं रहा, रेड रेड नहीं रहा, बल्कि एक नई फॉर्म आ गई, एक नया कलर आ गया, एक नई चीज आ गई। तो डेट इज कॉल्ड दी हाइब्रिड फॉर्म, हाइब्रिड इसे हम कहते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और ये जो है वो हाइब्रिडाइज फॉर्म कहलाती है। और ये है हमारा आज का टॉपिक, ये जो मैं आपको सिर्फ इसकी एक इंट्रो दे रहा हूं, सही है। अब होता ये है कि जब हम किसी भी दो एलिमेंट, मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा है। जी जी अच्छा ये मुबारक हो, वैसे आपने हमें कराया है बॉन्ड, बॉन्ड बनाना सिखाया है सर, जैसे पेपर में अगर दे रहे हैं हमें ये, आप देखें मेरी बात सुने। पहली बात तो ये कि पेपर में सवाल कैसा आता है, ये आपका सवाल है, ठीक है। मैंने आपको कहा कि अभी हमारा ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, अभी मैं आपको एक परफेक्ट स्ट्रक्चर पर लेके गया। जब हम परफेक्ट स्ट्रक्चर पर जाएंगे ना, तब वो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो सवाल आता है पेपर में, ठीक है। अच्छा दूसरी बात मुबारकबाद इस बात पे दे रहा था कि माशाल्लाह ज़हन में सवाल आया आपके, हैं क्या बात है बुबकर, ये ज़हन में ही आता है। अरे वाह वही मैं हैरान हो गया, मैंने कहा ज़हन में सवाल आया। चलें जी तो अब हम देखते हैं इस बात के ऊपर कि अबू बकर वैसे इस बात को ना आप बेफिक्र रहे, अभी तो ये हम आपको स्टार्ट करवा रहे हैं ना, अभी आहिस्ता आहिस्ता अभी हम स्ट्रक्चर और बनवाते जाएंगे। अभी तो आपने जैसे कि लास्ट टाइम आपने मुझे बोला था कि सर ये पी लोब बनाने में बड़ा मसला आ रहा है ना, अभी तो बनाते जाएंगे ये लोब आपके अच्छे होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, फिर इंशाल्लाह ताला हम आएंगे। अब देखें ना आहिस्ता आहिस्ता, आपको इससे पहले सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड का नहीं पता था, अब आप माशाल्लाह पहचानने लग गए सिग्मा बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड क्या है। अब आपको एस पी डी एफ के स्ट्रक्चर का पता चल गया, हेड टू हेड ओवरलैपिंग का, साइडवेज ओवरलैपिंग का पता चल गया। अब आहिस्ता आहिस्ता और भी आ जाएगा, कोई मसला नहीं। और आप ज्यादा दूर क्यों जाएं, आज देखें एक छोटा सा दो स्ट्रक्चर बनवाए तो सही मैंने, है ना भाई। अब ये आहिस्ता आहिस्ता जब मैं स्ट्रक्चर बनवाता जा रहा हूँ आपसे, तो आप स्ट्रक्चर बनाते जाएंगे, ये स्ट्रक्चर की भी प्रैक्टिस कीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप के अंदर फोटो भेजिएगा इसकी। तो बात यहाँ पर आती है कि जब ये दो एलिमेंट आपस में मिलके एक नया कंपाउंड बना रहे होते हैं ना, तो उस एलिमेंट के ऑर्बिटल जब आपस में मिक्स हो रहे होते हैं तो एक नया ऑर्बिटल बन जाता है भाई, उसको हम उस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, और वो जो ऑर्बिटल बनता है उसे हम कहते हैं हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ठीक है। अब हम ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल क्या होता है, किस तरह बनता है, कैसे बनता है, ये हम कल देखेंगे। बस आज आप एक बात अपने जहन में रख लें, ये दरवाजा खटखटाए, ठीक है, वो ये है कि ये पॉइंट आप याद रखें, ये पॉइंट कल मैं आप लोगों से पूछूं।
दूंगा, जहन में बिठा लिएगा। सिग्मा बॉन्ड आर ऑलवेज टेक्स पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ठीक है। और पाई बॉन्ड ओके डज नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, क्या मतलब हुआ जरा इसका मतलब बताओ। सर इसका मतलब ये कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो पार्ट लेता है इसमें हाइब्रिडाइजेशन में ऑलवेज, यानी कि जरूर लेता है, और पाई बॉन्ड जो है ये नहीं लेता पार्ट। शाबाश शाबाश, यानी कि जब हमारा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेगा ठीक है, तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड का ही बनेगा, पाई बॉन्ड का हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल नहीं बनता। इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारा पाई बॉन्ड है ये जो है वो आपका हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हिस्सा नहीं लेता। सही है भाई। आज की क्लास इस दो अहम पॉइंट के ऊपर हम ओवर कर रहे हैं, कल इंशाल्लाह ताला हम जो है वो आपको मजीद आगे लेके जाएंगे, और इंशाल्लाह ताला अब इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू होने वाले हैं जिसके अंदर जो है वो आपको हम स्ट्रक्चर बनाना शुरू करेंगे।